अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुए गैंगरेप के एक आरोपी को पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। बताया गया कि जब पुलिस मुख्य आरोपी लखन में विकास को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी तो लखन ने भागने की कोशिश की। जंगल में उसे घेरा गया जहां हुई मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। आपको याद होगा कि दो दिन पहले मेरठ जिले के सरधना तहसील के गांव कपसाड़ में क्लास 10वीं के छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि गैंगरेप के बाद छात्रा को आरोपियों ने जहर दे दिया। बदहवास स्थिति में घर पहुंची किशोरी ने आपबीती बताई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इस घटना में परिजनों की तहरीर पर लखन और विकास समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि किशोरी के घर से सुसाइड नोट मिला है, जिसका आशय यही पुलिस ने बताया कि किशोरी ने जहर का सेवन खुद किया है। वहीं परिजनों को कहना है कि यदि घर से सुसाइड नोट मिला होता तो पुलिस ने उसे परिजनों को क्यों नहीं दिखाया। आज दोपहर सरधना पुलिस लखन में विकास को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। पुलिस के अनुसार रास्ते में लखन ने सरकारी असला छीन कर भागने की कोशिश की। जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद लखन को गिरफ्तार कर लिया गया। लखन के पैर में गोली लगी है। आपको याद दिला दें कि कपसाड़ में हुई गैंगरेप की इस घटना ने विपक्ष को सरकारी तंत्र पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। सपा खुलकर सामने आ चुकी है। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हुए सपा नेता अतुल प्रधान ने वहां आए भाजपा विधायक संगीत सोमकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद की गुहार सरकार से लगाई थी। फिलहाल इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।